वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल हेल्प डेस्क। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू एंड वाइट कॉलर क्राइम के बारे में कवर करेंगे। ब्लू एंड वाइट कॉलर क्राइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी के अंदर, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू एंड वाइट कॉलर क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम से कौन कौन से लेजिस्लेशन है इंडिया में रिलेटेड, और वाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड कौन कौन से लैंडमार्क केसेस हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ब्लू एंड वाइट कॉलर क्राइम को समझने से पहले हम लोग क्रिमिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। क्रिमिनोलॉजी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो भी क्राइम रिलेटेड एक्ट या क्राइम रिलेटेड लॉ है इंडिया में, वो सारे कवर हो जाते हैं। क्रिमिनोलॉजी में हम लोग सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं पढ़ते, कॉजेज ऑफ क्राइम, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, व्हाट आर द रीजंस फॉर बीइंग अ क्रिमिनल्स, इन सारे चीज़ों को कवर करते हैं। ये बहुत ही, इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ नेचर ऑफ क्राइम, क्रिमिनोलॉजी के अंदर फिर फर्दर डिवीज़न है, जैसे ब्लू कॉलर क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, ग्रीन कॉलर क्राइम, रेड कॉलर क्राइम। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ ब्लू कॉलर क्राइम और वाइट कॉलर क्राइम के बारे में जानेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू कॉलर क्राइम। ब्लू कॉलर क्राइम को समझना बहुत ही आसान है और ये डे टू डे लाइफ में हम देखते और सुनते भी हैं। ब्लू कॉलर क्राइम को ऑर्डिनरी क्राइम भी कहा जाता है। तो ऐसी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें वायलेंस हो, वैसी सारी एक्टिविटी ब्लू कॉलर क्राइम के अंदर कवर्ड होती है। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें वायलेंस ना हो, वो ब्लू कॉलर क्राइम के अंदर कवर नहीं होगी। जिससे ब्राइबरी, ब्राइबरी में कोई भी वायलेंस नहीं है, कोई भी वायलेंट एक्शन नहीं है, तो वो ब्लू कॉलर क्राइम के अंदर कवर नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये उठता है, जो इसे ब्लू कॉलर क्राइम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक टाइम था अमेरिका में जो इस तरह के जो भी क्राइम होते थे ऑर्डिनरी क्राइम्स, वो वर्कर्स के द्वारा किए जाते थे और वो वर्कर ब्लू उनका यूनिफॉर्म होता था, तो इसी की वजह से क्रिमिनोलॉजिस्ट ने इसे ब्लू कॉलर क्राइम कहा। क्रिमिनोलॉजिस्ट का ये मानना है जो ब्लू कॉलर क्राइम या ऑर्डिनरी क्राइम लोअर क्लास या लेबर क्लास के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। रिच पर्सन आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्लू कॉलर क्राइम। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रिच पर्सन भी ब्लू कॉलर क्राइम कमिट करते हैं और लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी और लेबर क्लास ऑफ सोसाइटी भी ब्लू कॉलर क्राइम कमिट करते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये जनरली मानना है जो ऑर्डिनरी क्राइम्स हैं वो लेबर क्लास सोसाइटी के द्वारा ही कमिट किए जाते हैं। तो इसके पिछले वाले स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था, जो ब्लू कॉलर क्राइम के अंदर ऐसे सारे एक्ट कवर्ड हैं जिसमें वायलेंस है, जिसमें हिंसा है। तो जैसे उसके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे रॉबरी, थेफ, बर्गलरी, स्मगलिंग, असॉल्ट एंड बैटरी, ये सारे एक्ट आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर पनिशेबल हैं। अदर लैंग्वेज, ब्लू कॉलर क्राइम कैन बी द क्राइम अगेंस्ट द पर्सन, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, कल्पेबल होमिसाइड। इट कैन बी क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, थेफ्ट, स्मगलिंग, बर्गलरी, डकैती। ब्लू कॉलर क्राइम कैन बी प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, ड्रग अब्यूज एंड मेनी मोर। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं जो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लू कॉलर क्राइम एंड वाइट कॉलर क्राइम। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वाइट कॉलर क्राइम के बारे में जानेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। बिफोर 1939 देयर वॉज नो एनी टर्म लाइक वाइट कॉलर क्राइम। इट वॉज एडविन सदरलैंड हु एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम एंड ही कैटेगराइज्ड दोज ऑफेंस विच फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। वी मस्ट रिमेंबर हिज नेम बिकॉज हिज नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द वाइट कॉलर क्राइम। इससे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने ब्लू कॉलर क्राइम के बारे में पढ़ा था। तो ब्लू कॉलर क्राइम इज जस्ट अपोजिट टू द वाइट कॉलर क्राइम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ब्लू कॉलर क्राइम में हमने पढ़ा था जो देयर इज वायलेशन ऑफ लॉ बट देयर इज ऑल्सो वायलेंट एक्शंस। मतलब ऐसी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें वायलेंट एक्शन हो, वैसे सारे एक्टिविटी ब्लू कॉलर क्राइम के अंदर कवर्ड हैं। लेकिन वाइट कॉलर क्राइम में देयर इज वायलेशन ऑफ लॉ, लेकिन कोई भी वायलेंट एक्शन उसमें नहीं होता, इसीलिए इसे वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। वाइट कॉलर क्राइम को क्राइम ऑफ एजुकेटेड पीपल भी कहते हैं। और वाइट कॉलर क्राइम मेनली जो हाई क्लास लोग हैं उन्हीं के द्वारा कमिट किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट के लोग हैं या रेपुटेड प्रोफेशन
के जो लोग हैं उनके द्वारा कमिट किया जाता है फॉर द फाइनेंशियल गेन। और जो वाइट कॉलर क्राइम जो करते हैं उनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल गेन होता है, इलीगल फाइनेंशियल गेन, उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी इलीगल फाइनेंशियल गेन होता है वो बहुत सारे लोगों में बंटता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है फाइंड आउट करना। वाइट कॉलर क्राइम की वजह से हमारे जो कंट्री हैं उन पे फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज़ होता है, और ये हमारे लिए जो टैक्स पेयर हैं और जो सिविलियन हैं उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है। सनातन कमेटी इंडिया में फॉर्म हुई थी रिलेटेड टू द वाइट कॉलर क्राइम, उन्होंने रिपोर्ट दी थी और इसके बाद बहुत सारे लेजिस्लेशन भी फॉर्म हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वाइट कॉलर क्राइम जो भी रेपुटेड प्रोफेशन के लोग हैं उन्हीं के द्वारा कमिट किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट पोस्ट पे जो लोग हैं, मेडिकल्स रिलेटेड जो लोग हैं, जो लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाइट कॉलर क्राइम के। जैसे जब भी हम लोग में स्कूल में छुट्टी लेनी होती थी तो हम लोग फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दिया करते थे, और डॉक्टर को उसके लिए भी हमसे पैसे लिया करता था। तो चूंकि फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना इलीगल है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर हमें बना के देता था, दिस इज़ द वाइट कॉलर क्राइम। अल्ट्रासाउंड इज़ बैंड इन इंडिया, लेकिन फिर भी हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो डॉक्टर भी हमें कर देते हैं बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल गेन। तो ये दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड इन वाइट कॉलर क्राइम। जब हम कभी लॉयर के पास जाते हैं तो हम उनसे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं जो इलीगल है, लेकिन लॉयर्स हमें बना देते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें वायलेशन ऑफ लॉ हो लेकिन वायलेंट एक्शन ना हो, ऐसी सारी एक्टिविटी को हम लोग वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, और इसे क्राइम ऑफ एजुकेटेड पीपल कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। लेट अस सी द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वाइट कॉलर क्राइम एट द ग्लोबल लेवल। ब्राइबरी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड वाइड में। एम्बेजलमेंट, हम फॉल्स ग्राउंड देके मनी विड्रॉ करते हैं बैंक से अपने एसेट्स बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेजलमेंट। बैंक फ्रॉड, हम रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स देके बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ बैंक फ्रॉड। टैक्स इवेजन, हम चाहते हैं, हम जो सिविलियन हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं चाहते, और हम लोग टैक्स की जो कटौती करते हैं, टैक्स में जो बेमानी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द वाइट कॉलर क्राइम। For the prevention of white collar crime, government of India has passed several acts related to the white collar crime. जैसे companies act 1960, कंपनी में कोई फ्रॉड ना हो, कंपनी प्रॉपर टाइम पे टैक्स पे करे, इसीलिए companies act 1960 इसके अलग से रूल हैं। इनकम टैक्स एक्ट, हम हमारे सिविलियन के लिए और कंपनी के लिए भी, जो हम अपने गवर्नमेंट को प्रॉपर टाइम पे टैक्स दे, प्रॉपर अमाउंट में टैक्स दे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ब्राइबरी जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर पनिशेबल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हमारा जो चेक बाउंस करता है और चेक रिलेटेड जो इशू है, डेट इज़ कवर्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, अभी जो हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है इससे जो डिजिटल क्राइम है वो बढ़ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम, डिजिटल क्राइम, तो इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2005 है इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एक्ट बना रहे हैं वाइट कॉलर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, और हमें भी सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो हमारे कंट्री में वाइट कॉलर क्राइम पे रोक लगे, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल लॉस होता है वो कहीं ना कहीं सिविलियन को ही झेलना पड़ता है। लेट अस नो द लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू द वाइट कॉलर क्राइम। 2G स्पेक्ट्रम केस, हम सब लोगों ने 2G स्पेक्ट्रम केस के बारे में जरूर सुना होगा। अभी के प्रेजेंट टाइम में 4G हम यूज़ कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारे इंडिया में 5G भी होगा, लेकिन 2G बहुत ही बदनाम हो गया बिकॉज ऑफ द 2G स्पेक्ट्रम केस। 2007 में ए राजा, जो DMK पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इलीगल फाइनेंशियल गेन के वजह से ट्राई का जो नियम था उसको उल्लंघन करते हुए उन्होंने अपने जो मोबाइल फेवरेबल मोबाइल ऑपरेटर कंपनी थी उसको लाइसेंस दे दिया। बाद में जाके एक PIL फाइल हुआ और इसमें ये बताया गया, जो ए राजा की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 40,000 करोड़ का लॉस हुआ है। हालांकि बाद में जाके ये एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाया और जो भी कन्विक्ट थे वो रिलीज हो गए, और अभी भी फर्दर ये केस चल ही रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फूडर स्कैम केस। इसमें 900 करोड़ का घोटाला हुआ था।
बिहार और झारखंड का बंटवारा 2000 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उससे पहले बिहार ही एक राज्य हुआ करता था और उसके जो मुख्यमंत्री थे वो लालू प्रसाद यादव थे। तो गवर्नमेंट के तरफ से जो भी फंड आता था एनिमल रिलेटेड, उसमें उन्होंने 900 करोड़ रुपया का फेक बिल बना के ट्रेजरी से रुपये निकाले, जिसके बाद उन पर केस फाइल हुआ और इसके अंदर वो दोषी साबित हुए और उन्हें जेल जाना पड़ा और अभी भी वो जेल में ही हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा दोनों ही दोषी पाए गए, लेकिन दोनों पे ही आरोप था सॉरी लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा दोनों पे आरोप था, लेकिन बाद में जाके जगन्नाथ मिश्रा को निर्दोष साबित हुए और लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा। और आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।